अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चंद नामों के मतलब क्या है जो हमसे सवाल किए गए हैं, पूछे गए हैं। इनमें से पहला नाम है अजहर। तो अजहर के माने हैं खूब जाहिर होना, निहायत वाजे होना। ये माने के एतबार से नाम सही है और रखा जा सकता है। और एक और माना है इसके, वो है निहायत सरीह। दूसरा नाम जो पूछा गया है वो है सुहेल, और ये एक सहाबी का नाम है और एक सितारे का नाम भी है। इस माने के एतबार से सुहेल नाम रखने में कोई हर्ज नहीं है, बल्कि ये समझ लीजिए बरकती नाम है, क्योंकि प्यारे नबी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी का नाम है, और सहाबी का नाम का मतलब ये समझ लीजिए बाबरकत नाम है। तीसरा जो माना पूछा गया है नाम का, वो है अरीब। अरीब के माने है अकलमंद, होशियार, दाना। इस माने के एतबार से ये नाम रख सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। एक और नाम वो है अर्श। अर्श के माने आते हैं बादशाहत, तख्ते सल्तनत, तख्ते शाही। जैसे कि कुरान मजीद फुरकान हमीद में भी अल्लाह ताला ने बयान फरमाया वलहा अर्शुन अजीम। इस एतबार से ये नाम रख सकते हैं, और भी इसके माने आते हैं, बागडोर भी इसके माने आते हैं, छत भी इसके माने आते हैं अर्श के। तो मुख्तलिफ माने हैं इसके, कोई सा भी माना मुराद लिया जा सकता है, और किसी भी माने के एतबार से जो मुनासिब लगता है उस एतबार से अर्श नाम रख सकते हैं। एक और है, वो है अरीना। इसका मतलब क्या है? तो अरीना का मतलब है मस्त होना, मगन होना, और एक है मौज में आना। मस्त होना, दीन में मस्त होना, इस तरह भी कर सकते हैं, दीन के एतबार से मस्त होना। तो इस एतबार से अगर ये नाम रख लिया है या कोई रखने की कोशिश में है तो रख सकता है, कोई हर्ज नहीं है, और ये माने के एतबार से भी नाम रखा जा सकता है। इस क्लिप को आगे शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं। दीन की बात आगे शेयर करना, लोगों तक पहुंचाना सदका जारिया है।